नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंटर पास करने के बाद एलएलबी कौन से कॉलेज से करना है, कौन से कॉलेज से नहीं करना है, एलएलबी कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, रजिस्ट्रेशन हो गया है तो कोर्ट में सदस्यता कैसे लेनी है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद एआईबी एग्ज़ाम क्वालिफाई कब करें, कैसे फॉर्म भरा जाता है, ये पूरी डिटेल दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। मैटर थोड़ा बड़ा है इसीलिए दोस्तों वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी होगी, पर वीडियो की एक खासियत है कि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसकी इम्पोर्टता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये वीडियो ऐसे है कि 3-4 सब्जेक्ट को लेकर के है, इंटर पास से कोर्ट में प्रैक्टिस करने तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो जिसको जितना मर्जी हो उतना जितने समझ में आए कि हमें कितना सुनना है, आप जो आईबी वाले हैं एग्ज़ाम के विषय में, रजिस्ट्रेशन वाले रजिस्ट्रेशन के विषय में, मतलब पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे कि लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसके लिए वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और मेरे चैनल में आप लोगों को जो कुछ भी मिलेगा बिल्कुल सच ही मिलेगा, क्योंकि बहुत से चैनल में इधर उधर झूठ की बकवास करते हैं, वो अपने अंदर नहीं है। आप चैनल में जाकर के विजिट भी कर सकते हैं और बहुत सारे अधिवक्ता भाइयों का और बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार भी मिल रहा है, बहुत उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग से। इंटर पास करने के बाद दोस्तों एलएलबी दो प्रकार से होती है, एक 5 साल का होता है और एक 3 साल की होती है। 5 साल का जो होता है वो क्या होता है कि उसको इंटर पास करने के बाद किया जाता है, और जो 3 साल का होता है उसको ग्रेजुएशन करने के बाद, मतलब बीए कंप्लीट करने के बाद किया जाता है। तो दो प्रकार की तो एलएलबी होती हैं। अब इंटर पास हम कर लिए हैं तो एलएलबी हम कर सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, पर आपको उसी कॉलेज से करना है जो कॉलेज बीसीआई से अप्रूव हो। उसको जा करके मालूम कर लीजिए कि बीसीआई की तरफ से ये सही है कि नहीं, अगर अप्रूव नहीं है बीसीआई से तो उस कॉलेज में आप बिल्कुल एडमिशन मत लीजिएगा। ये बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आप लोगों के समझ में आता रहेगा। ये हुआ इंटर और बीए पास करने के बाद एलएलबी का कार्य। सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर इसमें पैसे लगते हैं, साल में एक बार के लिए हिसाब से सेमेस्टर जैसे चेंज होता है तो जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसकी फीस लगती है। मान के चलिए कि किसी कॉलेज में साल का 10,000, किसी कॉलेज में 12,000, किसी कॉलेज में 14,000, 15,000, जितना फीस ले सके कॉलेज के हिसाब से फीस लेते हैं। ज़्यादा फीस नहीं लगती है अगर यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी में आप लोग जा रहे हैं तो उसमें दोस्तों कम लगता है, अगर प्राइवेट संस्था में है तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। ये इतनी बात हो गई। अब आप लोग इंटर पास करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी कंप्लीट कर लिए हैं तो अब उसके आगे का प्रोसेस सुनिए। उसके आगे का प्रोसेस दोस्तों क्या है कि जैसे आप एलएलबी कंप्लीट कर लिए हैं, सर्वप्रथम आपको अपने बार काउंसिल में, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आप राजस्थान, कहीं भारत में किसी भी स्टेट से हैं तो अपने ही स्टेट में जा कर के बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों बड़ा लंबा है थोड़ा, उसके लिए आपको अपनी पूरी मार्कशीट हाई स्कूल से लगा करके बीए तक की, उसकी डिग्री, अरे बीए तक की, एलएलबी तक की और उसकी डिग्री, प्लस उसमें एज के हिसाब से पैसा लगता है, उसकी डीडी बनवाना पड़ता है। 16,500 कुछ करके है, 40 साल से ऊपर हो रहे हैं, 38 साल से ऊपर हो रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा है, मतलब एज के हिसाब से फीस ज़्यादा लगती है। एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म में आपको सब कुछ भरना होता है। वहाँ जाएंगे तो आपको 10 रुपये का फॉर्म मिलता है, उसमें जितने पेज होते हैं उसे आपको सबको कंप्लीट करना होता है। दो अधिवक्ताओं को उसमें साइन लगता है जो 10-10 साल को प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनका साइन लगता है।
उसके बाद दोस्तों आप लोगों को उसे ले जा करके जब पूरा फॉर्म भर चुकते हैं उसमें पूरी मार्कशीट वर्सी लगा करके डीडी बनवा करके ले जा करके वहाँ जमा कर दीजिए। अच्छा, जमा करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम आपके घर में आ जाएगा, एक सिस्टम तत्काल आप कर सकते हैं। तत्काल के लिए एक सुविधा शुल्क ली जाती है 5,000 रुपये, वो यूपी में लग रही है। आप लोगों की स्टेट में कितना क्या सुविधा कैसे है उसे वहाँ पे मालूम कर लीजिएगा, और उसकी आप लोगों को रसीद भी दी जाती है। तत्काल प्रोसेस है, आप सुबह फॉर्म डालिए और जा करके उनको तत्काल 5,000 रुपये दीजिए, शाम को आपको अधिवक्ता बना दिया जाएगा, आपको प्रमाण पत्र आईडी कार्ड दे दिया जाएगा, आप जा करके प्रैक्टिस करना चालू करें। प्रैक्टिस कैसे चालू करना है, ये तो रजिस्ट्रेशन का काम हो गया, दो चीज़ हो गया, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, LLB करने के बाद रजिस्ट्रेशन, ये दो चीज़ हो गए हैं दोस्तों। अब दो चीज़ जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस है कि हमें कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, हाई कोर्ट में करना है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना है या सुप्रीम कोर्ट में करना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जिस भी कोर्ट में करना है वहाँ का क्या होता है, आपको सदस्यता लेनी पड़ती है। आप वहाँ के बार में जाएंगे, जा करके आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ पे शुल्क लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में समय प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों मान चलिए कि 4,042 रुपये की सुविधा शुल्क लगती है सदस्यता लेने के लिए। और आप सदस्यता जैसे ले लेते हैं आपको एडवोकेट रोल दे दिया जाता है, एडवोकेट रोल होता है, उसी से मुकदमा आप अपना अपने नाम से दर्ज कर सकते हैं और केस लड़ सकते हैं। अभी कुछ लोगों को भ्रम होगा ना कि IB एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए तो क्या हम केस अपने नाम से दायर कर सकते हैं, तो सुनिए बिल्कुल आप दायर कर सकते हैं और केस लड़ भी सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं। उसके लिए एक समय और सीमा तय की गई है। जो समय सीमा है उसकी दोस्तों वो क्या है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बार काउंसिल में तो 2 साल को आपको टाइम मिलता है AIB एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। AIB एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 साल के अंदर ही एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको स्थगित कर दिया जाता है। बहुत से लोगों को ये संदेह बना है कि हम 2 साल में अगर नहीं कर पाए हैं तो क्या हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों। अगर कोई बता रहा है तो रंगले जा रहे हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन स्थगित कर दिया जाता है। और जब भविष्य में आप कभी AIB एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, उसकी ज़्यादा फीस नहीं होती तो 250 रुपये होते, उसको भरना होता है, COP नंबर मिलता है। जैसे ही आप वो भरेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फिर से चालू हो जाएगा। हाँ, AIB एग्जाम क्वालिफाई अगर आप नहीं किए हैं तो आप 2 साल तक, 2 साल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 साल तक केस लड़ सकते हैं, अपने नाम से दायर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। 2 साल के अंदर ही आपको AIB एग्जाम क्वालिफाई कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा AIB एग्जाम को लेकर के। अब थोड़ा AIB एग्जाम के विषय में आपको स्पेशल बता देता हूँ कि AIB एग्जाम साल में 2 बार कराई जाती है, पर वो सुविधा नहीं हो पाती है तो इस बार अभी तक जो है ये सुविधा नहीं ऐसे हो पाई कि 2 बार हो सके, तो पर 1 बार जरूर हो जाती है साल में। जिसमें दोस्तों आप लोगों को क्या होता है कि उसमें भी जब AIB एग्जाम की डेट आती है तो उसके लिए भी एक फॉर्म भरा जाता है। उसमें भी आपका जितना है आईडी कार्ड जो मिला है आपको वहाँ से बार काउंसिल से वो, और जो मार्कशीट है वो सारे प्रूफ उसमें लगते हैं, उसके फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने में उसमें भी दोस्तों ये मान के चलिए कि कम से कम 4,042 रुपये का खर्च आता है। जैसे आप फॉर्म भर देंगे कुछ दिन के बाद आपको आपके मेल पे आ जाएगा मेल कि आपका फला जगह सेंटर गया है, जहाँ पे सेंटर गया है वहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना होगा। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, जिसमें दोस्तों अभी फिलहाल इस समय 45% जनरल और 40% आरक्षित वाले लोगों के लिए अनिवार्य है। अगर इतने परसेंट आपके आ रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे, अगर इससे कम आ रहे हैं दोस्तों तो आप फेल हो जाएंगे। और इसमें सिर्फ फेल और पास ही दिखाया जाता है, ना कि परसेंटेज दिखाया जाए कि आप सोचो कि हम 70 नंबर करके आए तो हम फर्स्ट डिवीज़न आएंगे, हम सेकेंड डिवीज़न आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। इसमें पास और फेल ही बताया जाता है, बस हो गया। तो AIB एग्जाम अगर क्वालिफाई आप कर जाएंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म सबको भरना ही पड़ेगा। जैसे आप भरते हैं उसकी 250 रुपये फीस होती है, नगद भी दे सकते हैं, DD की सुविधा भी दे सकते हैं,
और जा करके फिर अपना आप करते रहिए प्रैक्टिस। हर 5 साल में इसे रिन्यूअल करवाना होता है, बस हो गया और उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को इंटर से लेकर के LLB पास करने की, रजिस्ट्रेशन करवाने का, सदस्यता लेने का और AIB एग्जाम क्वालिफाई तक का पूरा डिटेल आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक तत्काल पहुँचता रहेगा और आप फ्री में बिल्कुल सुविधा लेते रहेंगे। मन के अंदर कोई बात आ रही उसको कमेंट करिए, मैं फ्री में उसका पूरा सोल्यूशन आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।